टाइप वन के हिसाब से ई गया नीचे, वाई इज इक्वल टू 13 माइनस 2, वाई इज इक्वल टू -13/2, ये आपका आंसर हो गया। अभी हमने टाइप फाइव भी कवर कर दिया है, तो आशा करता हूँ कि अभी तक तो आपको जितना पढ़ाया है वो कम्प्लीटली समझ में आया है। अब हम टाइप सिक्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा लग रहा है तो मैंने एक फॉर्मूला सिखाया आपको, बाजू में चाय का एक कप ले लीजिए, चाय पीते रहिए और ये वीडियो देखते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। टाइप सिक्स के अंदर सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, मगर दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको आराम से सॉल्व करूंगा। ये क्लास एट की एनसीईआरटी के बुक में आपको चैप्टर नंबर 2 में और क्लास 7 की बुक के अंदर एनसीईआरटी में आपको चैप्टर नंबर 2 में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रॉस कर देंगे इसको हम, ऐसे क्वेश्चन में आएंगे तो क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ पे 3x+1 इज इक्वल टू 2 × 4 हो गया। इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये 3x हो जाएगा, और इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। बीच में प्लस की साइन, ये साइन आ गई। 8 टाइप 1 के हिसाब से इसको नीचे लेके जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू 8 - 3 हो गया। 3x इज इक्वल टू 5 हो गया। टाइप 1 के हिसाब से 3 गया नीचे, x इज इक्वल टू 5/3। मिक्स में लेके जाओ, 3 + 3 + 2 = 5। ये पहले का आंसर हो गया। फिर हम 2 की बात करें तो 2 के अंदर आपको x - 1/4 इज इक्वल टू x/7 है। इसको आपको क्रॉस करा देना है। क्रॉस कराने के बाद ये 7x - 1 इज इक्वल टू 4 × x हो जाएगा। अभी 7 को अंदर लेके जाइए आप तो 7x - 7 हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा। रूल सिखाया था वेरिएबल लेफ्ट साइड में कांस्टेंट राइट साइड में, वेरिएबल लेफ्ट साइड में कांस्टेंट राइट साइड में। तो 7x यहाँ प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया, और ये माइनस में था उधर जाके प्लस में हो गया। 7x - 4x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 7। टाइप 1 के हिसाब से गया नीचे, x इज इक्वल टू 7/3, x इज इक्वल टू मिक्स में लेके जाना पड़ेगा 3 × 6 + 1 = 7। तो यहाँ पे हमने टाइप 6 भी कवर कर दिया है। अभी हम टाइप 7 की ओर आगे बढ़ेंगे, मगर याद रखना है टाइप 7 और टाइप 8 करते वक्त आपको सारे टाइप्स के कंसेप्ट याद होने चाहिए। वीडियो 26 मिनट की हो चुकी है, ट्राई करेंगे हम 30 मिनट तक चले ये वीडियो, ताकि हाफ एन आवर में आपका लीनियर इक्वेशन का बेसिक्स कवर हो जाए। टाइप 7 की बात करेंगे, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन के कंसेप्ट भी लगाने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, x/2 + x/3 = 4। यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। फ्रैक्शन वाले वीडियो में आपको सिखाया था मैंने कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो आपको उनको एलसीएम लेना पड़ता है। तो 2 + 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो 2 और 3 का एलसीएम कॉमनली प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का एलसीएम लेना हो तो आप उनका मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं x/2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ जाए, 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, प्लस x/3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई कराएं, 2 से, तो ऊपर भी 2 से कराना पड़ेगा, 4 हो गया। अब इक्वेशन चेंज हो गया मेरा, 3x/6 + 2x/6 इज इक्वल टू 4 हो गया। नीचे का न्यूमरेटर सेम हो गया है तो मैं इसको डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। फ्रैक्शन वाला वीडियो देख लीजिए, नहीं आता है तो। यहाँ पे 5x/6 हो गया इज इक्वल टू 4, ये 6 डिवीजन में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 4 × 6, तो 5x इज इक्वल टू 4 × 6 = 24। टाइप 1 के हिसाब से चला गया नीचे,
एक्स इज इक्वल टू 24 बाय 5, एक्स इज इक्वल टू 5, 4 जा 20 प्लस 4 24। तो ये हो गया हमारा टाइप 7 का पहला क्वेश्चन। अभी हम टाइप 7 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में सेम है। तो 9 बाय एक्स प्लस 4 बाय एक्स इज इक्वल टू 7। नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट मैं प्लस कर सकता हूँ, बाय एक्स इज इक्वल टू 7। 9 प्लस 4 13, 13 बाय एक्स इज इक्वल टू 7। यहाँ पे मैंने बताया था कि x नीचे नहीं रखना है आपको, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या कर दो, इनको स्वाइप करा दो, ये x चला गया जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 बाय 7। वापस इम्प्रॉपर में आ रहा है तो मिक्स में लेके जाएंगे, x इज इक्वल टू 7 बन जा 7 और 6, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आखिरी टाइप 8 की ओर बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सीबीएसई 8 में आपको चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारे आखिरी क्वेश्चन है, मैं आराम से करूंगा। चलो 2x बाय 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। अभी इस टाइप 2 के हिसाब से इस 4 को इधर लेके जाते हैं, तो 2x बाय 4 इज इक्वल टू 7 माइनस 4। 2x बाय 4 इज इक्वल टू 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, और ये 4 डिवीजन में है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 4, 2x इज इक्वल टू 3 4 जा 12। टाइप 1 के हिसाब से x इज इक्वल टू 12 बाय 2, 2 के टेबल में आते हैं, 6 जा, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट वापस क्वेश्चन नंबर 2, 3x बाय 7 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स बाय 7। मैंने बताया था वेरिएबल लेफ्ट साइड में होना चाहिए, कांस्टेंट राइट साइड में, यहां पे तो वेरिएबल राइट साइड में है, इसको हमें लेफ्ट साइड में लाना होगा। ये कांस्टेंट लेफ्ट साइड में है, इसको राइट साइड में लाना होगा। 3x बाय 7 अपनी जगह पे ही रहेंगे, x बाय 7 इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस 3 इधर माइनस में थे, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, हम इनका डायरेक्ट माइनस करा सकते हैं, इज इक्वल टू 3। 3x में से 3 गया तो 2x बाय 7 इज इक्वल टू 3। 7 डिवीजन में है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 7, 2x इज इक्वल टू 21। टाइप 1 के हिसाब से 2 गया नीचे, x इज इक्वल टू 21 बाय 2, x इज इक्वल टू 2, 10 जा 20 प्लस 1 21। तो बस आज के दिन के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और हमारा आने वाला जो वीडियो है उसके अंदर हम हर एक वीडियो के अंदर 10-10 क्वेश्चन कवर करके आपको 150 क्वेश्चंस का कवर कराएंगे। डेफिनेटली वो क्वेश्चन देखने के बाद आप लीनियर इक्वेशन में मास्टर हो जाओगे, और अगर लीनियर इक्वेशन में मास्टर हो गए तो फिर तो आपका मैथ्स पक्का है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। क्योंकि कोई भी चैप्टर ले लो आप, मेंसुरेशन ले लो, स्टैटिक्स ले लो, एल्जेब्रा ले लो, एक्सपोनेंट ले लो, आप सारे चैप्टर्स के अंदर कोई भी सिंप्लीफिकेशन हो उसके अंदर आपको लीनियर इक्वेशन का यूज करना ही पड़ेगा। तो फिर अगर आपको मैथ्स पक्का करना है तो लीनियर इक्वेशन में तो आपको मास्टर होना ही पड़ेगा। और मास्टर कौन करेगा, मैं आपको करूंगा। आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डेफिनेटली आप लीनियर इक्वेशन में मास्टर हो जाओगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ कमेंट करना तो भूले ही मत, कमेंट कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।